नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 का हम दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं। इसमें हमें बताना है कि ये जो रेखाएं हमें दी गई हैं, ये जो समीकरणें हमें दी गई हैं, इसके हिसाब से यह रेखाएं जो होंगी, इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं जो होंगी, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या संपाती होंगी या समांतर होंगी। तो आइए देखते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले A1 बटा A2 निकालना होगा, B1 बटा B2 निकालना होगा और C1 बटा C2 निकालना होगा। देखते हैं, A1 है 6 x के साथ वाली रकम, A1 है 6, A2 है 2, B1 है -3, B2 है, देखिए y के साथ यदि कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब, यदि y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसके साथ 1। तो आइए B1 बटा B2, B1 है -3, B2 है -1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से C1 बटा C2, C1 है 10, C2 है 9। आइए इसमें से देखते हैं कि क्या रकमें आपस में कट सकती हैं या नहीं। यह है 6/2, 6/2 जो है ये आपस में कट जाएगा 2 के पहाड़ में 3, तो A1 बटा A2 आ गया, नीचे है 2 एकम, तो ये आ गया 3/1। B1 बटा B2 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये तो आपस में कटता नहीं, तो बच गया 3/1। C1 बटा C2, ये 10 है ये 9 है, ये आपस में कट नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो अब इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि A1 बटा A2 है 3/1, B1 बटा B2 भी है 3/1। ठीक है, ये बराबर का निशान था। ठीक है, लेकिन C1 बटा C2 है 10/9। तो हमें ये पता चला कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर हैं। ये भी 3/1 है, ये भी 3/1 है, लेकिन ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, ये C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो अब हम इस चैप्टर के शुरू में करने वाला अपना वीडियो में जो हमने टेबल बनाया था वो टेबल देखेंगे। हमारा जो है, हमें मिल रहा है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन वो C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो इसमें यदि आप टेबल में पहला खाना देखेंगे तो इसमें देखेंगे ये तीसरी वाली पॉइंट है, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन यह है C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। देखो ये तीसरे वाली कंडीशन मिल रही है, ना बच्चों। और इसका मतलब कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो हम लिखेंगे अतः दी गई समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।